हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमने आपसे 10 लाइम बटरफ्लाई शेयर की थी जिनको रिलीज़ किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। उसके बाद हमें 2 कैटरपिलर और दिखाई दिए लेमन प्लांट पर, क्योंकि लेमन प्लांट यानी नींबू का पौधा एक होस्ट प्लांट होता है काफ़ी तितलियों का। काफ़ी तितलियाँ नींबू के पौधे पर अंडे देती हैं और करी पत्ता पर भी देती हैं, बेल के पेड़ पर भी देती हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ लेमन प्लांट पर काफ़ी तितलियाँ अंडे देती हैं और उनसे कैटरपिलर बनते हैं और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर तैयार होती है। तो लाइम बटरफ्लाई और जो ये तितली आप देख रहे हैं, ये है कॉमन मॉमन। वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेपिलियो पोलिटस। पोलाइट्स भी कह देते हैं, पोलिटस भी कह देते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन मॉमन के नाम से जानी जाती है। ये एक स्वेलोटेल बटरफ्लाई है। तो स्वेलोटेल बटरफ्लाई जो है, ये जो मॉमन है और जो लाइम बटरफ्लाई होते हैं, इनके जो कैटरपिलर होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। तो जो 10 लाइम बटरफ्लाइज हमें मिली थी उसमें भी काफ़ी ऐसे कैटरपिलर थे जो कि लगभग मॉमन के जैसे ही थे, लेकिन वो मॉमन नहीं बने, वो सभी लाइम बटरफ्लाई ही निकली। तो 10 हम रिलीज़ कर चुके हैं। उसके बाद ये हमें 2 कैटरपिलर और मिले, तो इसकी वीडियो शूट इसीलिए नहीं की, हमने सोचा ये भी लाइम बटरफ्लाई होगा, लेकिन ये एक ब्यूटीफुल स्वेलोटेल बटरफ्लाई निकली है, कॉमन मॉमन, जो कि बहुत प्यारी होती है। जेड ब्लैक कलर होता है और हल्का वाइट शेड इसमें नीचे की तरफ होता है, तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। और इनके विंग्स भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं जो लाइम बटरफ्लाई होती है उनसे, बहुत प्यारी लगती है। तो इसको आज हम रिलीज़ कर रहे हैं। ये कल की वीडियो है। ये एक बटरफ्लाई कल निकली थी और एक बटरफ्लाई अपने क्रिसलिस से आज निकली है। दोनों ही ये स्वेलोटेल बटरफ्लाई निकली, जो कि आपसे शेयर करना था, क्योंकि लाइम बटरफ्लाई हम आपसे काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं। ये जो थी इसकी बहुत तलाश थी, अभी तक हमें नहीं मिल पा रही थी। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसी ही होती है जैसे कि जो लाइम बटरफ्लाई होती है उसकी होती है। तो एक तितली तो जा चुकी है, अब वेट करते हैं सेकंड का। वैसे इसका क्राइसिलिस देखकर हमें लग तो रहा था कि ये कॉमन मॉमन ही होगी और इसमें हलचल इस तरह से होती रहती है। और नेक्स्ट डे ही आप देखेंगे, यानी आज सुबह ही हमने इस तितली को रिलीज़ किया है, जो कि ये भी मॉमन ही निकली है और बहुत प्यारी लगती है। जेड ब्लैक कलर है, उससे थोड़ी सी बड़ी होती है और विंग्स इसके थोड़े से चेंज होते हैं, इससे आप पहचान कर सकते हैं। एक वीडियो हमने शेयर की हुई है हमारे गार्डन में कितनी तरह की तितलियाँ आती हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक किया कीजिए, उससे क्या होता है रिलेटेड वीडियोज़ का लिंक आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप आराम से वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों को ही हमने रिलीज़ कर दिया है और दोनों ही एक ही दिन हमें मिली थी। एक जो कैटरपिलर था वो थोड़ा सा बड़ा था और एक थोड़ा सा छोटा था। इस बार हमने कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ये 2 ही क्रिसलिस थे जो इसमें तैयार होने थे, तो हमने इसी में ही इनको रहने दिया और नेट से कवर कर दिया, क्योंकि जो छिपकली वगैरह होती हैं उनसे भी इनका जान का खतरा रहता है। तो अब दोनों जा चुकी हैं। ये जो फीलिंग होती है ये बहुत अच्छी होती है। अगर आपको भी कभी कोई कैटरपिलर दिखाई देता है तो उसको सेव करने का सोचिए। बस थोड़े से ही वो पत्तियाँ खाती हैं, फ्रेश पत्तियाँ उनको देते रहिए। आप एक दिन में 2 बार दे सकते हैं, 1 बार सुबह 1 बार शाम, और वो खाते रहते हैं और बस फिर थोड़े दिन में ही वो क्रिसलिस बन जाता है और फिर उससे एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर तैयार हो जाती है। ध्यान रखिए, जैसे ही तितली बने उसके 2 से 3 घंटे बाद आप उसको रिलीज़ कर दीजिए, नहीं तो उसको उड़ना भी होता है फिर, तो इसीलिए आप उसको टाइम से रिलीज़ भी कर दीजिए। शाम गार्डन में एक ब्यूटीफुल ब्लू पियरो बटरफ्लाई देखने के लिए मिली, जो कि रेस्ट करने आई हुई थी शायद, लेकिन उसके बाद हमने देखा एक मकड़ी ने उसको पकड़ा हुआ था। ये उसने खा ली थी और ये मर चुकी थी बटरफ्लाई। तो क्या कर सकते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, जीवो जीवस्य भोजनम। तो जो आप सेव कर सकते हैं उसको आप ज़रूर बचाइए, लेकिन हर प्राणी का अपना भोजन होता है, तो इनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।